यहाँ टच डिस्प्ले मिल जाएगी और पीछे की तरफ पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा 45,000 रुपए देने के बाद। जैसे आप इस गाड़ी को चलाते हैं ना तो ये गियर अटकते हैं, देखो मैं खुद बोलता हूँ भाई टाटा पंच के गियर बहुत हार्ड है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना भाई मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है, मतलब भाई शिफ्ट किलर है ये। जब से ये गाड़ी आई है ना भाई लोग शिफ्ट की तरफ जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों भाई इस गाड़ी को सीधा शिफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें भाई थोड़ा बहुत ना गैप आ जाता है बाद में, अभी आप देख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा तो अभी है, लेकिन जैसे आप अपनी गाड़ी को यूज करोगे ना तो बाद में भाई ये चीजें आ जाती है। तो भाई सबसे पहले इस गाड़ी की थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं कि अगर आप ये गाड़ी लेते हैं ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे क्या प्लस पॉइंट होंगे, कितना माइलेज देगी, क्योंकि पर्सनली भाई एक साल से ज़्यादा यूज कर लिया इस गाड़ी को तो इतना तो आज आपको बता ही सकता हूँ। डिस्काउंट की तो बात बाद में करेंगे। ये गाड़ी भाई मार्केट के अंदर ना शिफ्ट किलर है। मैं आपको शिफ्ट किलर क्यों बोल रहा हूँ भाई, जब से ये गाड़ी आई है ना इस गाड़ी की इतनी यूनिट बिकती है भाई, इसने मुझे लगता है शिफ्ट को भी पीछे ना छोड़ दे आने वाले टाइम पे। लेकिन इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। फ्रंट में देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पंच की ना एडवेंचर मॉडल है भाई, CNG में एडवेंचर रिदम की तरफ जाओगे तो भाई आपको पार्किंग कैमरा वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा खास आपको। DRL के लिए भाई यहाँ हैलोजन में बल्ब दे रखा है, ये वाइट जलता है LED में, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपको मिल जाता है भाई इंडिकेटर। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प नहीं मिलेंगे, नॉर्मल हैलोजन ही मिलने वाले हैं। मेरे पास भी ये सेम ही मॉडल है तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ही बता पाऊंगा कि भाई आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फोग लैंप आपको नहीं मिलेंगे भाई, आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे। इंजन की नॉइज आप एक बार सुन लो भाई, स्टार्ट है गाड़ी इतनी आपको आएगी। फ्रंट में आपको लोगो दे रखा है भाई, ये भी अब चेंज वेंज कर दिया, देख रहे हैं अंदर की तरफ आने लग गया, मतलब भाई मेरे पास ओल्ड वाला डिजाइन है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ दे रखा है, वो क्रोम का नहीं आता था पहले। तो यहाँ आपको भाई स्पीकर के लिए जगह दे रखी है जहाँ से आपका स्पीकर का साउंड आता है, ये बड़ा प्यारा लगता है देखने में। आपको नीचे रेडिएटर की बड़ी बड़ी ग्रिल मिल जाती है वाइंड अंदर जाने के लिए। नीचे आपको भाई कोई स्किल्ड प्लेट वगैरह नहीं मिलेगी, नॉर्मल बम्पर दे रखा है। इसमें भाई थोड़ा बहुत ना गैप आ जाता है बाद में, अभी आप देख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा तो अभी है, लेकिन जैसे आप अपनी गाड़ी को यूज करोगे ना तो बाद में भाई ये चीज़ें आ जाती है। इसमें थोड़ा नीचे की तरफ लटक जाता है, अगर इधर दिखा दो तो भाई आपको टो करने के लिए दे रखा है, इसको भाई निकाल लो, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को टो वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। इधर आपको कुछ इस टाइप से एलॉयज तो नहीं मिलेंगे, नॉर्मल व्हील आपको मिलने वाले हैं। इनके ऊपर ये कैप लगी हुई है भाई, इसको आप हटा सकते हैं लगा सकते हैं आपकी मर्जी है, या भाई बिल्कुल एलॉयज ही चेंज करा लेना बाद में। इंडिकेटर वगैरह आपको भाई इस पर मिल जाएंगे साइड के मिरर पे, ठीक है। डोर पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता है। पीछे का डोर ओपन करने के लिए भाई जैसे पुराने वाली शिफ्ट में नहीं आता था ऊपर की तरफ दे रखा है, अब तो नई शिफ्ट में भाई इधर लगा दिया हैंडल। पीछे के लुक की बात कर ले भाई, अच्छी खासी लुक दे रखी है, देख रहे हैं आपको कुछ इस टाइप से भाई इसके टेल लैम्प मिल जाते हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं, छोटे छोटे से हैं ये। इसमें आपको भाई हैलोजन ही मिलने वाले हैं, यहाँ कोई LED का काम नहीं है इसमें। पीछे की तरफ ऊपर भी आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाता है, डिफोगर वगैरह इसमें आते नहीं है भाई। टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, पीछे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स लैम्प आपको यहाँ मिल जाता है। ये नीचे की तरफ लगा रखा है भाई, सबसे पहले यही टूटता है, मेरी गाड़ी का 3 बार टूट लिया। पीछे आप कहीं ट्रैफिक में रोक जाओगे बाइक वाला आएगा धड़ाम मारेगा टूट जाएगा, मतलब भाई ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका बूट दिखा दूँ ना एक बार, अच्छा खासा बूट मिल जाता है भाई, CNG होने के बाद भी सही सही सामान आपका आ जाएगा। हम भी ट्रिप पे जाते हैं भाई, अगर 4 लोग जा रहे हैं ना तो छोटे छोटे 4 बैग आराम से ले जाके जा सकते हैं, 4 तो आ ही जाएंगे इसमें छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, कि भाई आप पहिए वाले बैग इसमें भरना शुरू कर दो भाई, क्योंकि यहीं तक ही आएगा इसमें, इससे ऊपर निकाल लोगे फिर बंद नहीं होएगा, तो इसमें छोटे छोटे बैग आ सकते हैं भाई। अपने थैले वगैरह यहाँ रख लेना, इतना तो काम आपको हो जाएगा। यहाँ भी आपको एक हैंडल दे रखा है, आपको ऐसे खींचना है एंड ये बंद हो जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के एक बार अंदर, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट वगैरह की। भाई पहले एक बार फीचर देख लो ना, क्योंकि भाई ये भी बड़े काम की चीज़ है अगर आपको ये चाहिए। यहाँ आपको डोर पे भाई देख रहे हैं मिरर वगैरह एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, यहाँ से आप मिरर को अपना एडजस्ट कर सकते हैं ORVM को, जैसे भी आपको सेट करना हो, ठीक है। ये भाई एडजस्टेबल है, ये फोल्डेबल नहीं है। इधर आपको विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर वगैरह के सारे ये देख रहे हैं भाई, इनको एक टच में नहीं आएगा, ये आपको भाई दबा के रखना पड़ेगा तभी ये नीचे आएगा, तभी ये ऊपर जाएगा। यहाँ आपको मिरर लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा, जैसे आप इस बटन को क्लिक कर देंगे उसके बाद भाई आपके मिरर यहाँ से आप तो नीचे कर पाओगे, लेकिन भाई पीछे वाले नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर उधर वाला कोई बंदा करना चाहेगा ना तो भाई वो नहीं कर सकता। आप तो कंट्रोल कर पाओगे लेकिन वे नहीं कर सकते, मतलब भाई आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। अगर स्टीयरिंग की बात कर ले भाई, काफ़ी सॉफ्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। देखो यार स्विफ्ट के कंपैरिजन में भी सॉफ्ट ही है ये, स्विफ्ट का थोड़ा बहुत हार्ड ही आता है, क्योंकि मेरे पास स्विफ्ट भी है तो मैं आपको उसका भी बता ही रहा हूँ साथ के साथ। यहाँ आपको इसमें कुछ इस टाइप का हॉर्न मिलेगा एंड भाई इधर आपको भाई वॉल्यूम के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे सारे के सारे, अपने मीडिया के कंट्रोल मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा भाई, टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो मिलेगा। इधर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको भाई हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये सब मैनुअल है, ठीक है। यहाँ आपको CNG से पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए बटन दे रखा है, इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेट्रोल में आ जाएगी, जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे भाई CNG में आ जाएगी।
क्लस्टर कुछ इस टाइप से मिलेगा, MID डिजिटल मिल जाएगी, बाकी भाई सारा क्लस्टर नॉर्मल सा ही दे रखा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं क्लस्टर के अंदर की, डिजिटल है आप भाई, कंट्रोल वगैरह यहाँ मिलेंगे और उससे आप कंट्रोल करके मजे ले पाओगे। इधर आपको भाई छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी एडवेंचर के अंदर, इतनी बड़ी टच डिस्प्ले नहीं आएगी। फिर आपको रिदम लेनी पड़ेगी जो 45,000 रुपये ज़्यादा है, जिसमें आपको यहाँ टच डिस्प्ले मिल जाएगी और पीछे की तरफ पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा 45,000 रुपये देने के बाद। तो भाई देखो यार, मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, 45,000 आपको बचाने चाहिए, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर जो भी है बहुत अच्छा खासा दे रखा है। इधर आपको IRVM मिल जाता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। नीचे भाई आपको यहाँ मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी भाई आप अपने इसकी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, प्रेस ओके वगैरह, मतलब सब कुछ है भाई। इसको ऐसे घुमाओगे ना स्लाइड करके भी, ये देखो भाई ये आगे पीछे हो जाता है आपके ऐसे, मतलब भाई आपको इसमें बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको घुमाना है, घुमाने से आगे पीछे चलता है वो। अगर बैक करना है तो इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा आपको, एंड भाई वो बैक हो जाएगा, सेटिंग वगैरह आ जाएंगी आपकी सारी। यहाँ आपको AC का कंट्रोल मिल जाएंगे मैन्युअली, आपको फेस पे करनी है, फेस और पैर पे करनी है, खाली पैर पे करनी है, फैन की स्पीड को बढ़ाना है, कूलिंग को कंट्रोल करना है। डिफोगर मिल जाएगा भाई आपको फ्रंट के लिए, ठीक है। पीछे की तरफ तो इसमें डिफोगर दे नहीं रखे, लेकिन ये फ्रंट फ्रंट के आपको मिलते हैं। ऑफ वगैरह यहीं से कर सकते हैं, एक बटन में आपकी AC ऑफ हो जाएगी, फिर आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी आपको। नीचे की तरफ आपको USB के कंट्रोल मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, वर्थ इट स्पेस है भाई। यहाँ अपना कुछ भी आप सामान रख सकते हैं, क्योंकि भाई ये देख रहे हैं कितनी डीप है ना, तो इसमें आपका अच्छा खासा सामान आ जाएगा जो गिरता भी नहीं है गाड़ी चलाते टाइम। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, लेकिन भाई इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आप इस गाड़ी को चलाते हैं ना तो ये गियर अटकते हैं। देखो मैं खुद बोलता हूँ भाई, टाटा पंच के गियर बहुत हार्ड है, मैं खुद अपनी गाड़ी में लगाता हूँ ना, कभी कभी भाई बीच में अटक जाते हैं ऐसे। ये ठीक है भाई, जैसे भी हैं, अब अटकते हैं तो अटकते हैं। यहाँ भाई आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ये आप भाई मैनुअली मिलेगा, इलेक्ट्रिक नहीं आता। यहाँ पर अपनी की वगैरह रख सकते हैं, यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। ये कप होल्डर भी भाई ठीक ठाक है, थोड़े नीचे की तरफ जाके दे रखे हैं, लेकिन भाई फिर भी आपके लिए वर्थ इट होंगे। अगर इधर आपको दिखा दो भाई, यहाँ आपको मिलेगा ग्लो बॉक्स, इधर डोर हैंडल पे आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, सनरूफ का ऑप्शन इसके अंदर आएगा नहीं, ऊपर का रीडिंग लैंप आपको मिलेगा हैलोजन में। पीछे जाके एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर रखी है फाइनल, एक बार पीछे चलते हैं, पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ, फिर आते हैं इसके मुद्दे की बात पे। अगर भाई पीछे वाले रो की बात कर ले, तो पीछे वाले रो में आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाएगा, हेड रूम भी भाई आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। देखो अगर आप 4 लोग बैठे हो तो भाई 4 आराम से जा सकते हैं, 5 में थोड़ी भीड़ हो जाती है, एंड भाई 6 तो भूल जाओ, 6 बंदे इसमें नहीं बैठेंगे। पीछे की तरफ डोर पे आपको दिखा दूं, यहाँ भी पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। ये जो भाई अपना हैंडल है, इस पे भी क्रोम वगैरह वर्क दे रखा है। टीटर गाड़ी के अंदर आते नहीं है, टॉप मॉडल के अंदर आएंगे, यहाँ पर अपनी भाई बोतल वगैरह रख सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं टाटा पंच के नेगेटिव पॉइंट की। देखो यार, अगर आपने टाटा पंच ले ली तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? तो देखो यार, अगर आपने इस गाड़ी को ले लिया ना, आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी भाई इसके ब्रेक वगैरह में। कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी के काफ़ी ब्रेक अटकते हैं, और केली मेरी गाड़ी के नहीं भाई, मैंने इतने ज़्यादा रिव्यू कर लिए। अगर आपके पास भी टाटा पंच है या किसी पड़ोस के पास टाटा पंच है, उससे पूछ लेना। जैसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चलते हो ना, वो ब्रेक इतना हार्ड होता है भाई, उसको सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। कभी कभी तो अगर आप स्टार्ट करके चल पड़े ना, गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगेंगे। दूसरा भाई, इसके गियर अटकते हैं। तीसरा, गाड़ी के बाहर से भाई इतनी ज़्यादा नॉइज आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई समझ नहीं आता ये क्या सीन है। चौथा भाई, इस गाड़ी का माइलेज ना अपने आप गिरता चला जाता है, जैसे गाड़ी पुरानी होती चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता भाई, कहाँ CNG में मैंने 30 का माइलेज टेस्ट करा था, और आज के टाइम पे CNG पे भाई 22-23 का माइलेज निकालना मौत हो रहा है। मतलब 1.5 साल के अंदर ही इतना गिर गया भाई, पूरा 1 साल ही हुआ है अभी तो, शायद कुछ ही महीने ऊपर होंगे एक आधा, फिर भी भाई इतनी सारी कमियां टाटा पंच के अंदर आ रही है। अब बात करें भाई बिल्ड क्वालिटी की, टाटा पंच इतने दिन से चला रहा हूँ, कहीं लगी भी होगी, कहीं भाई उसको गड्ढों में भी उतारा होगा भाई, मनाली वनाली हर एक जगह में लेके गया हूँ। पहाड़ों पर लेके जाते हैं ना भाई, CNG में पावर लो फील होगी, पेट्रोल पे शिफ्ट कर लेना, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो पावर फील होगी, लेकिन CNG से डबल बैटर में जाएगा। फिर CNG में तो भाई वो रुक ही जाती है, चलती नहीं, पीछे हटना शुरू कर देगी, आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो भाई ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। आप कोई भी गाड़ी लोगे ना, हर एक गाड़ी के अंदर आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। अभी के टाइम, आज के टाइम पे CNG में जो डिस्काउंट है वो है 15,000 रुपये का। देखो यार, 6 लाख रुपये से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उस पर भी आपको 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर बात करें पेट्रोल वेरियंट की, तो उस पर मिलेगा आपको 20,000 रुपये का डिस्काउंट। मतलब भाई आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिटर है ना, उनकी नाक में दम कर रखा है टाटा ने। कभी भाई नेक्सॉन पे 3 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, कभी टाटा पंच EV ले लो भाई, 2-2.5 लाख रुपये का डिस्काउंट है, इस पर भी आपको 20,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए रवि ठाकुर को फॉलो कर लो भैया।